हेलो गाइस, दिस इज विपिन। हाउ आर यू ऑल? आपका स्वागत है मेरे इस चैनल मैथ्स एक्सपर्ट में। और आपको ये पता है कि ये चैनल आपको क्या प्रोवाइड करेगा और क्या प्रोवाइड नहीं करेगा। इस चैनल पर आपको सीबीएसई, आरबीएसई, एनुअल, योर ग्रेजुएशन, हर तरह का वीडियो देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले जिन बच्चों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जाइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर दबा दीजिए वो बेल बटन, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ यूनिट ऑफ योर सीबीएसई 10th, लेट्स स्टार्ट। इन लास्ट लेक्चर मैंने आपको ये बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। इन सब चीजों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, उसमें क्या क्या चीज थी। उसमें ये था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको यह बताया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। इसके अंदर ये जो वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है एक्स, इस वेरिएबल को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डिपेंड करते हैं इसकी पावर पर। यानी कि यहां पर अगर x की पावर 2 है तो इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो 2 होंगे। तो हम इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड के बारे में स्टडी करेंगे इस वीडियो में। सो व्हाट आर द मेथड्स? सी, फर्स्ट मेथड जो है वो होता है फैक्टराइजेशन। सेकेंड मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। थर्ड मेथड इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दीज आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो हम वन बाय वन इन तीनों मेथड्स को सॉल्व करेंगे कि किसके अंदर क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ। और उसके बाद अपने वन बाय वन हमारा जो सीबीएसई 10th की एनसीईआरटी बुक है उसको क्लियर करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करेंगे, उन सब पर हम फोकस करेंगे इसके बाद। तो पहले अपने मेथड्स क्लियर कर लेते हैं ताकि जो भी क्वेश्चन हो हम उसमें कोई भी मेथड अप्लाई कर पाए। इसलिए सो फर्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन। देखिए क्या है ये फैक्टराइजेशन। इस फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी और आपको बोला जाएगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको करना क्या है, आपको ये करना है उसके अंदर ये मेथड अप्लाई करके और इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आप फाइंड आउट करोगे। अगर आप वो वैल्यू फाइंड आउट करने में सक्सेसफुल हो जाते हो दैट विल बी वेरी 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 गुड। और ये जो आपका जो मेथड है, ऐसे बच्चे जो आगे 11th 12th अप टू बीएससी अप टू ग्रेजुएशन अप टू बीटेक जो भी मैथ्स के लिंक पर रहेंगे उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस मेथड को ध्यान से समझिएगा क्या है ये मेथड। लेट्स सी, लेट टेक अ एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फैक्टराइजेशन। देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, इसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करना है और इस मेथड को अप्लाई करने के बाद आप लोगों को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे फैक्टराइजेशन भी बोल देते हैं, इसे स्प्लिटिंग मिडल टर्म भी बोल देते हैं, व्हाटएवर इट इज। सो क्या है ये मेथड, लेट मी अंडरस्टैंड। देखिए कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला काम ये होता है कि इसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। लाइक यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, तो मतलब ये क्या होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए हमेशा।
ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर इसको वेरीफाई किया, x raise to the power 2, x raise to the power 1, here x raise to the power 0, तो ये सारे के सारे descending order में। descending order के बाद आपको क्या करना है, ये जो last आपकी constant term है, इसको आप multiply करोगे coefficient of x square से। अगर यहाँ पर coefficient हो, valid good है, नहीं है तो इसका मतलब by default कौन सा होता है, 1 होता है। तो आप इस 8 को 1 से multiply करोगे सबसे पहले। ये लीजिए बेटा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये रबर कैसा रहा, 8 × 1 = 8, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिसका प्रोडक्ट तो 8 आए, दो ऐसे नंबर हूज प्रोडक्ट इज 8, एंड यहां पर अगर प्लस का साइन है तो प्लस करने पर 6 आना चाहिए, और यहां पर अगर माइनस का साइन है तो माइनस करने पर 6 आना चाहिए। दिस इज द फाइन। तो आप लोगों ने फाइंड आउट किए, मैंने क्या बोला आपको, प्रोडक्ट इज 8 आना चाहिए, और अगर यहां प्लस है तो प्लस करने पर 6 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे बताइए, वो दो नंबर होंगे 4 and 2, 4 × 2 = 8, प्रोडक्ट इज 8, एंड 4 + 2 = 6, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। तो आगे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए करते हैं। आप क्या करोगे बेटा, फर्स्ट टर्म एज इट इज रखिए, माइनस एज इट इज रखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेथड, इट इज स्प्लिटिंग मिडल टर्म। हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में, तो एक बार मैं इस मिडल टर्म को छोड़ देता हूं, प्लस ए रिमेन सेम इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो मिडल टर्म हमने स्प्लिट किए उसके लिए कौन से नंबर फाइंड किए हमने, हमने फाइंड किया 4 और 2, और दोनों को प्लस करना है, तो अपने दोनों को प्लस कर देते हैं। ये लीजिए बेटा 4x + 2x, और यहां पर ये जो x मैंने लगाया है इसका रीजन है क्योंकि मिडल टर्म जो है वो x के लिए है, दैट्स व्हाई मैंने यहां पर x अप्लाई किया है। समझ आया बेटा, ओके चलिए आगे सॉल्व करते हैं। नाउ वन बाय वन आप एक ब्रैकेट को खोलिए x² एंड वी नो अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो आप जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देन साइन विल बी चेंज्ड। सो लेट्स चेंज द साइन, -4x it will be -2x plus a remains same is equal to 0, okay। अब क्या करोगे, इन दोनों में से देखिए x कॉमन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, x कॉमन आ रहा है, सो आप यहां से x कॉमन ले लीजिए। ये लीजिए बेटा x मैंने कॉमन निकाला, इट इज x माइनस 4, माइनस 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, इट इज x माइनस 4 अगेन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो हमने ये कॉमन ले ली। अच्छा एक बात और ध्यान रखोगे बेटा, ये दोनों चीजें सेम आनी चाहिए, अगर ये दोनों सेम आ रही है दैट मीन्स उसे आप बिल्कुल सही कर रहे हो, अगर सेम नहीं आ रही तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि हमारी गलती कहां है। ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यहां पर माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, इट विल मैंडेटरी। अगर प्लस है तो ये वाला साइन एज इट इज रहेगा, अगर यहां पर माइनस है तो हमें इस साइन को चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो ये सारा का सारा सिस्टम इसी तरह से चलता है। अच्छा अब हमारे पास दो टर्म है, देखिए फर्स्ट टर्म इज दिस, सेकंड टर्म इज दिस, हमें इन टर्म्स में से क्या करना है, x माइनस 4 को कॉमन निकालना है। तो ये लीजिए बेटा, मैंने इसमें से x माइनस 4 को कॉमन निकाल लिया, x माइनस 4 को कॉमन निकाला और बचेगी क्या, यहां पे तो x बच जाएगा, यहां पे माइनस 2 बच जाएगा, इक्वल टू कितना है 0। समझ आया कि नहीं आया, तो इस तरह से अपने इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा अब आप आगे देखिए, यहां पर कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है तो मतलब क्या हुआ, क्या चीज आएगी, मल्टीप्लाई आएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा तो देखो आप खुद समझदार हो, कॉमन सेंस लगाओ अपनी, कि दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, और किसी का प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है, वो 0 तब आ सकता है अगर इन दोनों में से पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू 0 आएगी, अदरवाइज वो 0 कभी भी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना एक बात, तो इसलिए आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को 0 करना है, मीन टू से x माइनस 4 कैन बी 0 एज वेल x माइनस 2 कैन बी 0, वन ऑफ देम, रिमेंबर वन थिंग, वन ऑफ देम, x माइनस 4 कैन बी 0 एज वेल x माइनस 2 कैन बी 0, सो x इज इक्वल टू व्हाट यू गेट, x इज इक्वल टू वी गेट 4, और फ्रॉम हियर वी गेट x इज इक्वल टू 2, सो दीज आर टू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया बच्चों के लिए, ओके चलिए नेक्स्ट
वन मोर एग्जांपल वी टेक फॉर फैक्टराइजेशन. से भी हमारे पास है 2x² एंड इट विल बी -3x - 9 इज इक्वल टू 0. चलिए बेटा बताइए मुझे, मैंने पहला स्टेप आपको क्या बताया? सोचिए, पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल जो भी होगा उसकी पावर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, है ना? तो इसकी पावर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूंगा. फाइन, चलो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है ऑलरेडी. फिर मैंने आपको ये बताया आप क्या करोगे, इस वैल्यू का इससे मल्टीप्लाई करोगे. चलिए मैंने मल्टीप्लाई किया 9 × 2 = 18. अब मुझे दो ऐसी वैल्यू रिक्वायर्ड है जिनका प्रोडक्ट तो 18 आएगा और उनका सब्ट्रैक्शन जो है वो 3 आएगा. प्रोडक्ट इज 18 एंड सब्ट्रैक्शन इज 3. समझ आया कि नहीं आया? तो इसलिए अपने क्या करें, वैल्यू आ जाएगी 6 × 3 = 18 और मैंने आपको बोला था प्लस करने पर प्लस और माइनस है तो माइनस करने पर आना चाहिए वाला तो चाहिए. तो 6 में से मैं 3 को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. तो इसलिए हमने वो दो नंबर फाइंड कर लिए जो हमें रिक्वायर्ड थे. चलिए फिर मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट टर्म आप एज इट इज रखिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एज इट इज रहेगा. यहां पर ब्रैकेट ओपन कीजिए एंड -9 is equal to 0 because we are splitting middle term. That's why मैंने middle term को एक बार वैसे ही छोड़ दिया था. अच्छा अब यहाँ पर 6 और 3 है ना, तो आप लोग क्या करेंगे बेटा? आप लोग करेंगे 6x - 3x. Fine, पता लग गया. X तो इसलिए क्योंकि middle term में x है और मुझे minus करना था, that's why मैंने minus कर दिया. फिर मैंने आपको बोला कि आप लोग इस bracket को open करोगे. Open करेंगे तो check कर लेना बाहर minus है कि plus है. अगर तो प्लस हुआ फिर तो आप ब्रैकेट को डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, लेकिन अगर माइनस है तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके और इस इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा. ये लीजिए, हो गया. अच्छा नेक्स्ट अपने क्या करें बेटा, नेक्स्ट अपने करते हैं यहां से 2x कॉमन निकालिए. रेस्ट वैल्यू विल x - 3. अच्छा फिर प्लस है तो प्लस आएगा और अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा. यहां से कॉमन क्या है, कॉमन वैल्यू इज 3. So it is x - 3 = 0. अच्छा फिर अपने यहाँ पे देखो दो टर्म्स फिर से बन गए, तो x - 3 आ जाएगा यहाँ पे एंड 2x + 3 आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0. समझ आया कि नहीं आया? फिर यहां से आप लोग क्या करेंगे बेटा, x - 3 = 0 और 2x + 3 = 0. ये आ गया हमारे पास, समझ रहे हो ना? फिर यहां से अपने क्या करें, x - 3 = 0 then x = we get 3 और from here x = we get -3/2. So these are the two solutions of this quadratic equation. I hope आप सभी को first method बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा. बाकी इसमें ऐसा होगा कि जितनी practice आप करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, समझ रहे हो ना बात? अच्छा चलिए next method try करते हैं, that is nothing but कंप्लीटिंग स्क्वायर. ये भी बहुत इजी मेथड है और इसको ध्यान से समझना. अगर इसको ध्यान से समझ लिया तो सेकेंड मेथड थर्ड मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. चलिए ट्राई करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर को. अच्छा मुझे ये बताइए, मतलब मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि आपको कोई ऐसी इक्वेशन सेलेक्ट करता हूँ कि आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे उससे, ठीक है ना? तो मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बाय दिस मेथड. ओके चलिए लेट ट्राई. वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ व्हाट विल यू डू फॉर सॉल्विंग दिस? कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये होता है बेटा, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि यहां पर कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए. तो अपने क्या करें बेटा, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको a से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो मैं इसको a से डिवाइड करता हूं. जब आप इसको a से डिवाइड करोगे यू विल गेट x² + b/a x + c/a = 0. समझ आया होगा? मतलब मुझे यहां पर 1 बनाना था और आप लोगों को पता है कि यहां पे 1 कैसे बन सकता है. 1 तब बनेगा अगर आप इस सारी इक्वेशन को
a से डिवाइड करोगे। समझ आया? ओके चलिए नेक्स्ट टर्म आपका ये होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, दिस वैल्यू रिमेन सेम एंड द रेस्ट वैल्यू मीन टू से कॉन्स्टेंट टर्म विच इज सी बाई ए, दस सी बाई ए विल शिफ्टेड ओवर लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको जब आप सॉरी राइट हैंड साइड जब इसको आप उधर शिफ्ट करोगे दिस बिकम माइनस सी बाय ए। ओके नेक्स्ट, अब यहां पर जो x का कोफिशिएंट है, देखिए यहां पर जो x का कोफिशिएंट है कितना है, x का कोफिशिएंट b बाय ए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, क्योंकि जो हमारा नाम क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर ना, मतलब हमें क्या करना है स्क्वायर को कंप्लीट करना है, तो उस कंप्लीट स्क्वायर को करने के लिए ये मेथड भी होगा। तो यहां पे x का कोफिशिएंट b बाय ए है, आप लोगों को क्या करना है बेटा इसका हाफ कर लीजिए, ये लीजिए मैंने हाफ कर दिया, व्हाट विल बी अपीयर हियर बी बाय टू ए, हाफ कर दिया मैंने, हाफ करने के लिए सिर्फ हाफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स ऑल। तो b बाय टू ए आ गया यहां पे, फिर मुझे क्या करना है b बाय टू ए का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करना है, ऐड दिस b बाय टू ए इन लेफ्ट एज वेल राइट हैंड साइड। तो आप क्या करोगे इस b बाय टू ए को दोनों साइड ऐड कर दीजिए, b बाय ए एक्स प्लस b बाय टू ए स्क्वायर, ये मैंने इधर भी ऐड कर दिया और ये मैंने इधर भी ऐड कर दिया, दोनों साइड आपको ये वैल्यू अपनी मर्जी से ऐड करनी है ताकि हमारा जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो जाए। क्यों यूज किया मैंने इसका, देखिए बेटा इसमें आपका ये लॉजिक काम करता है, यू नो आर आइडेंटिटी विच इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर प्लस है तो प्लस आता है और यहां माइनस है तो माइनस आता है, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाने के लिए इसको यूज कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से क्या करोगे बेटा, देखिए दिस इज ए स्क्वायर, ओके दिस इज टू ए बी, दिस इज बी स्क्वायर, समझ आई बात। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी बन गई। अब आप लोग बोलोगे सर टू का है, चलिए लेट मी डिस्क्राइब, ए स्क्वायर सही है बिल्कुल, एक्स स्क्वायर स्क्वायर लगा हुआ है फाइन, प्लस टू ए, ए इज एक्स, बी इज बी बाय टू ए एंड दिस इज बी बाय टू ए होल स्क्वायर, गेट इट और नॉट, बन गई ना रेडी, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया कंप्लीट। तो ये आइडेंटिटी किसकी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख दूंगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, सही है ना। इसको क्या लिखूंगा, ए की वैल्यू कितनी है एक्स, बी की वैल्यू कितनी है बी बाय टू ए का होल स्क्वायर, समझ आया। तो इस तरह से आप इस आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, समझ आ गया होगा ये। ओके तो कैसे सॉल्व करूं बेटा मैं इसको, ये आइडेंटिटी बन गई सेम, तो आइडेंटिटी बनने के बाद मुझे क्या करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ a इज x प्लस वैल्यू ऑफ b इज b बाय 2a, दिस इज a दिस इज b दिस इज 2ab, a प्लस b होल स्क्वायर, तो देखिए कंप्लीट स्क्वायर बन गया, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके चलिए माइनस सी बाय ए रिमेन सेम, प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। फिर आप लोग क्या करोगे बेटा, x प्लस बी बाय टू ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए प्लस, डायरेक्ट कर दो बेटा एलसीएम ले लेता हूं मैं इसका यहां से ना, तो यहां से मैं इन दोनों का अगर एलसीएम करता हूं तो एलसीएम विल बी फोर ए स्क्वायर। नाउ डिवाइड दिस फोर ए स्क्वायर बाय ए, व्हेन यू विल डिवाइड फोर ए स्क्वायर बाय ए वी गेट फोर ए, मल्टीप्लाई दैट वैल्यू विद माइनस सी यू गॉट माइनस फोर ए सी, फाइन प्लस रिमेन सेम, फोर ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वायर इट विल बी वन, वन विल बी मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर यू गेट बी स्क्वायर, समझ आया कि नहीं आया, अगेन रिपीट करता हूं, देखिए इनका एलसीएम आएगा फोर ए स्क्वायर,
फोर ए स्क्वायर में ए का डिवाइड करेंगे फोर ए आएगा, तो फोर ए को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस फोर ए सी आ जाएगा। फिर मैंने फोर ए स्क्वायर में फोर ए स्क्वायर का डिवाइड किया वन आएगा, उस वन को मैंने बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया दैट विल बी बी स्क्वायर। अच्छा आगे सॉल्व करता हूं बेटा, एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं सही करके लिखूंगा तो ये ऐसे लिखा लिख सकता हूं बेटा माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर फोर ए स्क्वायर। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करें, आप तो एक्स की वैल्यू फाइंड करें ना, तो इस स्क्वायर को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं, तो जब मैं स्क्वायर इधर शिफ्ट करूंगा इट विल बी एक्स प्लस बी बाय टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर फोर ए स्क्वायर। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अच्छा आगे हमें क्या करेंगे बेटा, एक्स प्लस बी बाय टू ए एज इट इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए ऊपर वाला रूट तो सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज वहां पे होल स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ऊपर वाला जो रूट है वो तो सेम रहेगा, मतलब रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एज इट इज। अच्छा लेकिन नीचे वाला जो है मैं उसको लिख सकता हूँ ना टू ए स्क्वायर, देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए स्क्वायर, ऐसे सही है ना। तो क्या करोगे जब आप रूट सॉल्व करोगे, रूट सॉल्व करने के बाद ऊपर वाले का जो रूट है वो सॉल्व हो नहीं सकता, और नीचे वाले का जब रूट सॉल्व करोगे तो दैट विल बी कितना टू ए, गेट इट, समझ आ गया होगा। चलिए आगे अगर मैं सॉल्व करूं तो वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस बी बाय टू ए, ये जो प्लस का है उसको शिफ्ट करूंगा तो माइनस बी बाय टू ए हो जाएगा एंड दिस वैल्यू रिमेन सेम, मतलब प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, समझ आया कि नहीं आया। यहां से आप क्या कर सकते हो बेटा, टू ए एलसीएम ले लेते हैं इसका, 2a एलसीएम लेते ही हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। और ध्यान रखना बेटा दो वैल्यू लागी, एक बार आप इस फॉर्मूले में प्लस की वैल्यू का यूज करोगे और एक बार माइनस की वैल्यू का यूज करोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने इस कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। मुझे पता है थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन देखिए ये फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए है, हम अभी इसका एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन में अपने इसको कंप्लीट मतलब जैसे ये सिंपल इक्वेशन लेके इसको सॉल्व करना है तो वो भी करके दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन प्रॉपर जो मेथड है वो ये है। अगर आपको ये आ गया तो मतलब आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर लो, ओके। चलिए अच्छा अब चलते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड देखिए बेटा क्या है, कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये मैंने क्यों करवाया था ये आपको भी समझ आ जाएगा। व्हाट इज द मेथड, मेथड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बेटा देखिए इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यही इक्वेशन है हमारी। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और माय डियर स्टूडेंट्स जो आप सॉल्व करके आए हो एक्स की वैल्यू मैंने ये वाली फाइंड की है ना, तो जो मैंने सॉल्व किया है वो वैल्यू एक्स की है, तो इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ध्यान रखना माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन व्हाट, अपॉन टू ए, सॉरी अपॉन टू ए, समझ आ गया होगा बेटा। तो इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एनी डाउट, इसीलिए मैंने आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो सॉल्व करवाई ताकि मैं उसको इजीली एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपको सभी को पता है, बताओ ए की वैल्यू क्या होती है, ए व्हाट इज ए, ए इज कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी, what is c, c is coefficient of, sorry c is constant, समझ आया।
चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व करूंगा इस मेथड से। सपोज आपको व्हाट इज द इक्वेशन 2x² - 3x - 9 इसी को सॉल्व करके बता रहा हूं। इक्वेशन है 2x² - 3x - 9 = 0 और मुझे ये बोला गया कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है हमें, तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? यहां पर देखिएगा a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -3, c की वैल्यू क्या है -9। ये हमारे पास a b c की वैल्यू है। हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। और एक बात आप ध्यान रखोगे, कई बार बच्चों की ये हैबिट होती है कि जब आप इस फॉर्मूले को लिखते हो तो सिर्फ इतनी ही वैल्यू लिख देते हो। दिस इज फॉर्मूला, दिस इज रॉन्ग। यहां पर आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वेरिएबल कौन सा है, और वेरिएबल देखने के बाद आप लोग इजीली इस फॉर्मूले को सॉल्व कर पाओगे। सपोज यहां वाई होता तो यू हैव टू राइट वाई इज इक्वल टू, अगर यहां जेड होता यू हैव टू राइट जेड इज इक्वल टू। ओके लेट्स सॉल्व दिस। How will you solve? X is equal to minus b is -3 plus minus root b square mean to say -3² -4 a is 2 c is -9 over 2a. A is 2 again. So x is equal to you get minus minus plus so plus 3 plus minus root 9 minus minus plus 4 to the 8 9 the 72 upon 2 to the 4, x is equal to we get 3 plus minus, it will be 81 and root of 81 is 9 over 4. The result is x is equal to 3 plus 9 by 4 or x is equal to 3 minus 9 by 4. This value become x is equal to 12 by 4 mean to say 3. और दिस वैल्यू बिकम x इज इक्वल टू -6/4 मीन टू से -3/2। और यहां पर देखिएगा आप यहां पर क्या वैल्यू आई थी, सेम वैल्यू आई थी कि नहीं आई थी, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -3/2। तो इस तरह से आप तीनों फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं। चलिए एक इस क्वेश्चन को मैं दोबारा आपको करवाता हूं। इट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। स्टेप आपको ध्यान है मैं आपको बता चुका हूं, वही स्टेप हम इसी इक्वेशन में अपने वापस अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? तो देखते हैं सॉल्व होती है कि नहीं होती। लेट्स सी हाउ यू विल सॉल्व। तो आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन इज 2x² - 3x - 9 = 0। चलिए मैं इसको पुट करके देखता हूं बेटा। पुट करूंगा तो मैंने आपको बोला कि यहां पर कोई कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहां पे 2 आ रहा है ना, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2, यू गेट x² - 3/2x - 9/2 = 0। समझ आया? तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से। अच्छा नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो भी कॉन्स्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाइए आप। तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा x² - 3/2x = 9/2। ओके फिर आगे मैंने आपको क्या बोला था, जो भी x का कोएफिशिएंट कितना है 3/2 है ना, तो इस 3/2 का हाफ कर दीजिए। ये बोला था 3/2 का हाफ करते हैं, 3/2 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, इट विल बी 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर मुझे इधर भी ऐड करना है और उधर भी ऐड करना है, दोनों साइड ऐड करना है। चलिए मैं ऐड कर देता हूं, x² - 3/2x इधर भी मैंने ऐड कर दिया 3/4 का स्क्वायर, और इधर भी मैंने ऐड कर दिया 9/2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3/4, दोनों साइड मैंने इसको ऐड कर दिया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज आइडेंटिटी a² सी दिस इज आइडेंटिटी व्हिच इज a² -2ab + b² What is the identity? Identity is a - b² This is for this है ना? This is the identity. तो आप लोगों को ये identity apply करनी है. Apply कीजिए बेटा. What is the value of a? A is x minus b. B is 3/4 whole square. Is equal to 9/2 remains same plus 9/16. What value? Comes up x minus 3/4 is equal to 16 with LCM. When you take LCM, we get 81 over the numerator.
x माइनस 3 बाय 4 स्क्वायर रूल चेंज होगा तो 9 बाय 4 एंड प्लस माइनस विल अपीयर हियर। अच्छा एक चीज और, ये जो प्लस माइनस की थ्योरी है ये क्या है? देखिए एक कॉमन सेंस है, देखिए माइनस 2 का स्क्वायर करता हूं मैं, मेरे पास 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करता हूं मैं 4 आएगा। अब आप एक बात बताइए, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि यहां से अगर मैं 4 का रूट करूंगा तो माइनस 2 भी आ सकता है, 4 का रूट करूंगा तो प्लस 2 भी आ सकता है, दोनों वैल्यू आ सकती है। दैट्स व्हाई यहां पर प्लस और माइनस का साइन लगाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये तभी लगता है जब स्क्वायर को रूट में चेंज करते हैं, अगर वो पहले से रूट लगा हुआ है तब प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप स्क्वायर को रूट में चेंज कर रहे हो तो प्लस माइनस का साइन अपीयर होगा वहां पे। तो आगे इसको मैं सॉल्व करूं तो x इज इक्वल टू व्हाट यू गेट, प्लस माइनस 9 बाय 4, माइनस विल शिफ्टेड ओवर हियर दैट इज 3 बाय 4, x इज इक्वल टू वी गेट प्लस माइनस, x इज इक्वल टू वी गेट 9 बाय 4 प्लस 3 बाय 4 और x इज इक्वल टू माइनस 9 बाय 4 प्लस 3 बाय 4। From here you get x is equal to 12 by 4 or from here you get x is equal to minus 6 by 4. X is equal to what? X is equal to 3 or x is equal to what you get? You get minus 3 by 2. These are the values. तो देखिए आप इस method से भी same है ये method. तो मतलब आप suitable method कोई भी apply कर सकते हैं. So हमारा motive है कि तीनों methods अगर हमें अच्छे से समझ आ गए तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पूरी यूनिट में नहीं आएगी। तो आपका वर्क है कि आप आपकी बुक में से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाइए एंड सॉल्व इट बाय ऑल द मेथड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।